हिजबुल्ला की जानिब से अब बताया ये जा रहा है कि तस्दीक कर दी गई है सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्ला के हसन नसरुल्ला की शहादत की तस्दीक की गई है। हसन नसरुल्ला 30 साल की आदत के बाद अपने साथियों की राह पर रवाना हो गए और हिजबुल्ला ने अपने बयान में मजीद ये कहा है कि तंजीम की क्यादत और गजा और फलस्तीन की हिमायत और लबनानी अवाम के दिफा के लिए इसराइल के साथ जंग जारी रखी जाएगी। हिजबुल्ला ने इस मौका पर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई और लबनानी अवाम से तहसीत का इजहार किया है। उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक हसन नसरुल्ला ने बैतुल मुकद्दस की राह में जान देने की अपनी सबसे अजीज ख्वाहिश को पा लिया है और फलस्तीनी तंजीम हमास ने भी हसन नसरुल्ला की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए इसराइल को खित्ते में कातिलाना हमलों का जिम्मेदार ठहराया है। इससे कबल इसराइली फौज के तर्जमान की जानिब से एक रोज कबल बयान जारी किया गया था और सोशल मीडिया पर ये जो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था कि हसन नसरुल्ला जो है वो शहीद हो चुके हैं और हिजबुल्ला की जानिब से अब इस बात की तस्दीक की गई है। अगर बात करें कि हसन नसरुल्ला कौन थे तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हसन नसरुल्ला जो हैं वो कौन थे और उन्होंने कब अपनी सियासी जो सरगर्मियां हैं उसका आगाज किया और शेख हसन नसरुल्ला के बारे में आपको पता चले कि 64 साल हसन नसरुल्ला हिजबुल्ला के अहम तरीन कमांडर के तौर पर इस मजहमती तंजीम को ना सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत किया बल्कि लबनान की सियासत में भी अहम किरदार जो है वो दिलवाया है। हसन नसरुल्ला एक पुरजोश और जोशीले खतीब हैं और खतीब थे जिन्होंने इसराइल से मुकाबले के लिए ईरान में मजहबी रहनुमाओं और फलस्तीन की मजाहमती तंजीम हमास के साथ इतिहाद को मजबूत किया। हिजबुल्ला के सरबराह को लबनान के ताकतवर तरीन शख्सियात में समझा जाता था जिनके पास 1 लाख से ज्यादा जंगजू थे और इनके ग्रुप के अफराद अरकान पार्लियामेंट भी हैं। हसन नसरुल्ला अपनी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा एक मतवसत इलाके में रहते थे। इनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 वर्ष की उम्र में इसराइल हमले में शहीद हो गया था। जिंदगी की अगर हम बात करें इब्तदाई दौर की तो हसन नसरुल्ला सन 1960 में मशरकी इलाका है बैरवत जहां पर एक गरीब खानदान में पैदा हुए और 1975 में जब लबनान पर खाना जंगी शुरू हुई तो इनका खानदान जनूबी लबनान में इनके आबाई गांव में चला गया और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने लबनान में नुमाइंदा तहरीक अमल में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने इराक के शहर नजफ में कुरान और सियासत की तालीम हासिल की और यही इनकी मुलाकात सैयद अब्बास मूसवी से हुई जो लबनानी अमर मलेशिया के रहनुमा थे। 1978 में हसन नसरुल्ला को इराक में बेदखल कर दिया गया, वो लबनान वापस आ गए जहां उन्होंने अब्बास मुसवी के मदरसे में मजहबी तालीम और तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया। इसके बाद अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। इन्हें 1982 में लबनान में इसराइली गैरअंदाजी के बाद हसन नसरुल्ला ने अमल तहरीक से अलहदगी अख्तियार कर ली और खुद को इसराइल के खिलाफ मुजाहमत के लिए वक्फ कर दिया। हसन नसरुल्ला ने 1982 में इसराइल जारियत के खिलाफ मुजाहमत करने वाली तंजीम हिजबुल्ला में शमूलियत अख्तियार की जबकि 1992 में हिजबुल्ला के रहनुमा अब्बास मुसवी की मौत के बाद हसन नसरुल्ला को तंजीम का सरबराह मुकर्रर किया गया। हसन नसरुल्ला की क्यादत हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ बेहतरीन मुजाहमती हुकूमत अमली अपनाई और साल 2000 में 22 साल बाद इसराइली फौज को जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर कर दिया। 2005 में लबनान के वजीर आजम रफीक के कत्ल के बाद हसन नसरुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान एक सालस का किरदार अदा किया और इनका मानना है कि हिजबुल्ला सिर्फ एक मजामती तंजीम नहीं बल्कि दीन इस्लाम का पैगाम फैला रही है और गजा जंग में हसन नसरुल्ला का जो किरदार था वो बहुत अहम था। मौजूदा दौर में इनका ताल्लुक सिर्फ लबनान तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो ईरान के मजामती महवर में सबसे ज्यादा बासर रहनुमा समझे जाते थे और अगर इनकी शहादत की बात करें तो ये इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है वो इस बात की सोशल मीडिया पर
ट्वीट किया गया, तस्दीक की गई थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्ला की जानिब से भी जो है वो तस्दीक की गई है कि हसन नसरुल्ला जो है वो अब दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं, शहादत उन्होंने हासिल कर ली है। और ये आज की जो खबर है ये बहुत अहम है, और इस वक्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फलस्तीन के बाद लबनान को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, मुतद्दद हमले किए जा रहे हैं, मुतद्दद इमारतें लबनान की भी जमीन बोस हो चुकी हैं। तो नाज़रीन वीडियो से मुतल्लिक जो है वो अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको इसी तरह से मौसूल होती रहें।